टुडे इज फ्राइडे, तो आज मैं जा रही हूँ स्कूल। अच्छा, आज मैंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर दी क्योंकि आज बोला था मुझे हाफ ड्रेस पहनने के लिए। बताइए कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइए। चलिए बाय। अच्छा गाइस, तो मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, अब मैं खा रही हूँ। क्या अभी कुछ कह रही थी नानी को? दिखा दे ये। आधा रात को खत्म किया। ये किसने दिया? नानी के हाथ कहाँ है? नानी ने क्या भेजा है? कुल्फी। नानी ने तेरे लिए कुल्फी भेज दी, फिर अपने फ्रिज में जमा दी। और केले केले खा रही हो? तो मम्मा को से नहीं पूछी? लो खाओ। आ गए स्कूल से, यूनिफॉर्म चेंज नहीं की है। तो ये शाम को हम लोग आ गए थे, तो रवानी को यूनिफॉर्म मिली थी, कुछ काम से और भी आए थे, तो पत्रकार में इन्होंने खाए मोमोज और साथ में ली कोल्ड ड्रिंक। और मेरा फास्ट था तो मुझे जला रही थी खिला खा खा के। तो अब हम लोग पत्रकार से वापस आ चुके हैं अपने वे पे, और ये है श्याम स्टार स्वीट्स की शॉप, और यहाँ पे ये लोग अब पानी पूरी खाएंगे। ठीक से कर स्कर्ट। पलट एक खड़ी है। हाँ हाँ, इतने मुँह गई था। खाओ खाओ खाओ। एक बेचारी खाई नहीं थी, पर बेहोशी तो बने पड़ा है। हो गया। तो जी उसके बाद हम लोग वहाँ से लौटे हैं, और हम लोगों ने फिर पी है लस्सी। मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था, और आपको पता ही है कि मैं दिन में खा लेती थी, रात में नहीं खाती थी, तो मैंने ये लस्सी बनाई और सभी लोग ये लस्सी पी के और सो गए। तो जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है, इसमें ये सप्तमी के दिन का है, और उस दिन मेरे हस्बैंड भी फास्ट थे, तो जब ये फास्ट होते तो कुछ ना कुछ फिर बनता ही है। तो ये शाम का टाइम है, सुबह तो सिर्फ फ्रूट्स और दही खा के हस्बैंड निकल गए थे काम से, और फिर शाम को आए तो मैंने ये कूटू की पकौड़ियाँ बना के दी, और साथ में दी दही। पकौड़ी और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो बेसन का ही पकौड़ी क्यों ना हो। तो सिंपल सा आलू बॉयल थे, उसमें सिंघाड़े का आटा डाला, नमक डाला और हरी मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, बस उसको मिक्स करके उसकी पकौड़ियाँ बना दूँगी। ठीक है, तो हस्बैंड को दे दिया था, उनके पास किसी की कॉल आई थी तो वो फ़ोन पे भी बात कर रहे थे, पता नहीं क्या किसी को डायरेक्शन दे रहे थे घर का। और जब तक मैं अपना पकौड़ी खा के एंजॉय कर रही हूँ। तो अब मेरी आरती हो चुकी थी, अब खाने का टाइम आ रहा था, तो हस्बैंड फिर शाम को कहीं गए थे काम से, जब मैंने पकौड़े वकड़े दे दी और वाणी को ट्यूशन से ले आए, और उसके बाद फिर ये काम से चले गए थे, तो ये 9:30 बजे तक घर आए। तो अब मेरी तो आरती हो चुकी थी 7 बजे तक, फिर मैं फलहारी बनाने की तैयारी करने लगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की खीर। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल सा दूध ले लिया है, और ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था तवे पे, उसमें मैंने मखाने, बादाम और काजू लिए थे, उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद ठंडे हो जाए फिर आप उसको मिक्सी में पीस लेंगे। ठीक है, और फिर आपको
दूध में डाल देना है, अपना चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, और थोड़ा खड़े भी मैंने थोड़े मखाने में डाल दिए थोड़े, वो भी खाने में बाइट अच्छी लगती है। और खीर जो है गाढ़ी होनी चाहिए, बिल्कुल पतला दूध, और उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे तो फिर आपको दूध लगेगा, वो खीर नहीं लगेगी, फिर लगेगा कि आप दूध पी रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, तो इसको गाढ़ा ही रखिएगा। ओके, तो हमने खाना भी बनाया था पर उसका व्लॉग नहीं हो पाया। सिंपल खाना मैंने वही सिंघाड़े का पराठे, पनीर, आलू और मखाने की सब्ज़ी, और ये खीर थी और दही भी थी साथ में, बस यही बनाया था, तो उसका व्लॉग मैं नहीं ले पाई। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में रामनवमी के दिन, और उस दिन सभी लोग कन्या खिलाते हैं, हालांकि मैं अष्टमी के दिन खिलाऊंगी, तो मैं अष्टमी के दिन आपको मिलती हूँ, और उस दिन कन्या के लिए खाना बनेगा और घर में हवन भी होगा, तो उस व्लॉग में मैं अब आपसे आगे मिलती हूँ। तो अब देखना ये है कि मैं कन्या को खाना घर पे बुला के खिला पा रही हूँ कि नहीं खिला पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा होगी, तो भेज देना पैक करके। तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे खिलाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, अब वो कल देखा जाता है कि क्या होता है। ठीक है, तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज का ये मेरा ब्लॉग बहुत ही छोटा वाला है, ज़्यादातर वाणी से रिलेटेड था और मैंने क्या क्या किया, तो ये सिर्फ आपका 6 या 7 मिनट का ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय।